एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार ने बच्चों को सफलता के मंत्र दिए। तो एकेडमी वर्ल्ड स्कूल बेमित्रा द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार शामिल हुए। आनंद कुमार को बच्चों के बीच रियल में पाकर बच्चे बहुत खुश हुए और उनसे बातचीत कर सफलता के बारे में टिप्स लिए। एकेडमी स्कूल के बच्चों ने फिल्म सुपर 30 में दर्शाए चित्र पर भी उनसे बातचीत की, जिस पर उन्होंने अपने जीवन परिचय पर विस्तार से बताया। बच्चों ने कौन से गरीबों की मदद करने पर कभी निराश नहीं होने के सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने कहा कि निराशा हर व्यक्ति होता है, अगर मन में ठान लो तो कोई भी निराशा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है और सफलता मिलना निश्चित है। आनंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारी सुपर 30 की टीम बेमित्रा जिले में भी एग्जाम लेके और जिससे गरीब लोगों को हम फ्री में IIT नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज यहाँ आनंद सर आए हुए हैं, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक JEE एस्पिरेंट हूँ और वो मेरे बहुत मतलब उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। यहाँ बोर्डिंग हाउस में बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं और यहाँ हमारी सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है सब हमारे अकॉर्डिंग है और हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो वो तुरंत फुलफिल की जाती है। लगभग 2 साल के बाद में स्कूल में आज एनुअल डे फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण से पिछले 2 सालों से बड़े कार्यक्रम सारे बंद थे, तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत खुशी और साथ में बच्चों के लिए हम सबके लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज ऐसे शख्स हैं आनंद कुमार जी, जो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और एक हर बच्चों के लिए मुझे लगता है उनसे बड़ा आइडियल मोटिवेशनल कोई मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के बेमतारा जैसे छोटी सी जगह में वर्ल्ड क्लास स्कूल में आने का जो मौका मिला, मुझे बहुत देखकर अच्छा लगा और यहाँ बच्चों से बातचीत कर भी करके अच्छा लगा। लगा कि ये स्कूल इतना बढ़िया कर रहा है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उदाहरण है। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के स्कूलों का विजिट करे, इस स्कूलों को सपोर्ट करे और ऐसे सरकारी स्कूल में भी ऐसी ही सुविधा दे।